क्वेश्चन नंबर 110 है आपके सामने, जिसमें क्या बोल रहा है कि ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। मतलब ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में। ठीक है, बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। अब वो आगे क्या बोला है, बी अलोन वर्क फॉर 4 डेज, आफ्टर दैट हाउ लॉन्ग ए अलोन। ठीक, चलिए ये आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे अपन। पहले टोटल वर्क 4 2 8 होते हैं और 4 3 12 होते हैं। यहाँ से ये आ गया ये एलसीएम। ठीक है, ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 2 8 24। ठीक है, यहाँ से आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी आ जाएगी 4 3 12 बचा 2, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब अपन को पता है कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और बी की अकेली कितनी है, 2। तो ए की अकेली कितनी हो जाएगी, ए की अकेली की हो जाएगी 1। ये बात सबको समझ में आए। अब बात करते हैं क्वेश्चन में आगे की, कि बी अलोन वर्क फॉर 4 डेज। बी ने अकेले ने कितना काम किया, 4 दिन। कितने की एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी। तो 4 दिन में 2 की एफिशिएंसी से कितना काम कर लेगा, 8 यूनिट काम। 8 यूनिट काम अपना भाई बी कर चुका है। टोटल काम है 24 यूनिट। 24 यूनिट काम में से 8 यूनिट हो चुका है, बचा कितना काम, 16 यूनिट। अब बताना अपन को ये है कि आफ्टर दैट हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक द कंप्लीट वर्क। तो ये बचा हुआ काम 16 जो काम है वो कौन करेगा, ए भाई अपना। कितने की एफिशिएंसी से, 1 की एफिशिएंसी। कितने दिन में कर देगा, 16 डेज में। ठीक है, समझ गए सब लोग।